वापसी बैक टू बड़ोदरा, बड़ोदरा से ट्रेन है तो वही टाइमली जाना पड़ेगा। अभी टाइम हुआ है 12 बजे हैं, बीच में लंच भी करेंगे तो होपफुली 3 साढ़े 3 बजे पहुंच जाएंगे और 4 बजे अपनी ट्रेन को पकड़ लेंगे। टिकट्स हमारी कंफर्म हो गई हैं तो जाना ही पड़ेगा, आज रुकने का कोई चांस नहीं है। और आगे की जर्नी का नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा इसी के आगे, बड़ोदरा टू पठानकोट आपको स्वराज एक्सप्रेस की जर्नी दिखाएंगे आज किस तरह से होती है। और ये एकता नगर का एक जाते जाते बैकग्राउंड देख लीजिए, मोदी ने कितना पैसा खर्च किया है, एक नई सिटी बसा दी यहाँ, बिल्कुल ये गांव जैसा होता था। और अभी ये आज की डेट में इसको एकता नगर करके एक सिटी बनाई है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, लगभग सभी एमएनसीज ब्रांड के कैफेटेरियाज हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स, क्रिस्टा कॉफ़ी और भी एमएनसी काफ़ी सारे, कोस्टा कॉफ़ी, सभी ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन लंच हम यहाँ नहीं करेंगे, अभी हमारा जंक फूड खाने का मन नहीं है, हम कुछ खाएंगे ट्रेडिशनल गुजराती वडोदरा के आसपास। अभी तो दिन में, रात में आओ तो ये अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ लाइटिंग का। बाकी मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं कल रात सिर्फ आधा घंटा सोया हूँ, तो अभी मैं जाते टाइम वीडियो शूट नहीं करूँगा, अभी मैं सोऊँगा और उसके बाद बड़ोदरा से नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं लंच ब्रेक में, अभी के लिए बाय। टाइम टू स्टॉप फॉर लंच और अभी रुक गए हम बड़ौदा से पीछे नीलकंठ रेस्टोरेंट में। स्टार्टर में देखो लस्सी और पापड़ आया है, दैट्स अ गुड। ये पापड़ सबके लिए है, बहुत ही ठंडी और मज़ेदार लस्सी है, मज़ा आ रहा है जीरा डाल के ना। लस्सी तो और चाहिए, लस्सी अनलिमिटेड है क्या? पता नहीं, मैं कुछ ध्यान नहीं होगा, लस्सी तो रहेगा बोला साथ में, छाछ बोलते हैं यहाँ सब जगह मिलती है लस्सी, कहीं भी खाना खाओ लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी। और ये तो अनलिमिटेड चाहिए, पूछ लेता हूँ, बोला छाछ चाहिए हमें। तुम्हारे लिए थोड़े हैं साउथ वालों, पंजाबी थाली इज हियर, वो कर लेना यार, आजा सेट कर लेना। क्या क्या इसमें? दाल है, राइस है, पनीर है, मिक्स वेज है, रोटी है, सैलड है और लस्सी। नाइस यार, देखने से तो फूड बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। खा लो जल्दी सर, नाम भी बताओ, खा के बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं है। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया सर, जान मज़ा आ रहा है। मैं सबसे लास्ट में खाऊंगा जब फीडबैक अच्छा आएगा। फीडबैक दे दो, अच्छा नहीं है सर, खाएंगे नहीं फिर, अच्छा नहीं है। मैं फिर दूसरी मंगवा लूँगा, काठियावाड़ी। चलो लंच करते हैं, बड़ा डिलीशियस है, अब रहा नहीं जा रहा। खाना लगने खा लिया है और ये नींबू पानी शराब अभी पीने की तैयारी कर रहे हैं। पीने का नहीं सर, दोनों का। और क्या यार, मैं तो पी गया इसको, उसको एक बार बोल देंगे भाई
एक एक रात को अपने छाल दिया कुछ नहीं है आप बिल्कुल दे वाटर रिफिल करता है गजब है कौन सा पावर चार्जर लगा रखा था तुमने 30 था 70 हो गया मेरा 30 है 30 ही रहने दूंगा ट्रेन में बैठ के करूँगा जरूरी है थोड़ा अरे 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 ये था बड़ोदरा हाईवे के ऊपर नीलकंठ रेस्टोरेंट बड़ा ही अच्छा खाना था भाई घी के साथ रोटी 3 सब्जी चावल सलाद 2 गिलास लस्सी के और अनएक्सपेक्टेड प्राइस है इसका मात्र 185 रुपीस पर हेड आया है हमारे को बहुत ही मिनिमल चार्जेज है यार गुजरात का खाना वाकई लाजवाब है और मज़ेदार है नीलकंठ रेस्टोरेंट वेरी गुड इट्स रिकमेंडेड प्लेस फॉर लंच ब्रेकफास्ट डिनर हाँ गजब यार तगड़ा होटल बना रखा है गाड़ी एक दो ही लगी है खाना खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर से तंदूर में डाल दी हो अंदर एसी में बैठ के खाया तो बाहर ऐसा लगा कि तंदूर में डाल दी है सब्जी मंडी की तरह लग रहा है इस गाड़ी का ड्राइवर नया था वो एक्चुअल में हाईवे को स्किप करके गूगल मैप के भरोसे यहाँ अंदर कहीं मार्केट से ले आया भाई और इसी के साथ ही आप बड़ोदरा हम पहुंच गए हैं ये बड़ोदरा सिटी के कुछ अंदर की विजुअल्स हैं थोड़ी देर में अब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं उसके बाद हम बैक टू पठानकोट पठानकोट वाली जर्नी का एक सेपरेट वीडियो रहेगा तो इसी सीरीज़ में आपको नेक्स्ट वीडियो बड़ोदरा टू पठानकोट स्वराज एक्सप्रेस का वीडियो पूरा एक मना के डालूंगा मैं आज की जर्नी को यहीं पे अंत करते हैं आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो